हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हो जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास से ओप्पो F27 स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है, फोन है, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए स्मार्टफोन आपको कैसा लगा है। जैसे देखा जाए ओप्पो ने F27 अभी भी न्यू लॉन्च किया है। उसका लॉन्चिंग प्राइस इसमें दो वेरियंट में आपको मिलेगा, एक 8GB रैम, 128GB स्टोरेज रहेगा उसका 23,000 उसका प्राइस रहेगा, और एक 8GB रैम रहेगा, 256 स्टोरेज रहेगा उसका प्राइस आपको 25,000 रहेगा। आपको स्मार्टफोन बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी जिससे बाय कर सकते हो। स्लो स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है ओप्पो F27 5G स्मार्टफोन। ऊपर से आपको बॉक्स इस तरह से मिले, काफी अच्छा लग रहा है, बॉक्स भी काफी मस्त लग रहा है। और भी देखा साइड में देखा था, हेलो लाइट्स मिलेगा आपको, AI अल्ट्रा क्लियर इमेजिंग के लिए आपको मिलेगा, आपको उसके आपको 360 mm बॉडी भी मिलेगा। और भी इसमें आपको डिस्प्ले 120Hz डिस्प्ले मिलेगा, आपको स्मार्ट एडेप्टिव स्क्रीन आपको इसमें मिलेगी। और भी पीछे की तरफ देखा था मैंने, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला बाय किया था। इसका लॉन्चिंग प्राइस 23,000 है और उसमें आपको दो वेरियंट मिलेगा, और एक 256 स्टोरेज रहेगा उसका 25,000 उसका रेट रहेगा। मैंने ग्रीन कलर में बाय किया था, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और भी ओपन करके देख लेते हैं साथ में क्या क्या आता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओपन करने में आपको इस तरह से हो गया, सबसे पहले आपका स्मार्टफोन रहेगा, और भी साथ में क्या देख लेते हैं। और भी आपको एक साथ में आपको केस भी मिलेगा, एक आपको सॉफ्ट केस मिलेगा आपको प्रोटेक्शन के लिए, एक आपको सिम एडेप्टर मिलेगा, आपको सिम की मिलेगा सिम निकालने के लिए, और यूजर गाइडलाइंस के लिए यूजर मेन्यू मिलेगा। और भी देखा था आपको 25W का सुपर वॉक चार्जर मिलेगा, USB सुपर वॉक 25W का इसका चार्जर भी रहेगा। एक आपको टाइप सी आपको डाटा केबल्स भी इसमें साथ में आपको मिलेगा, और भी साथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और भी हमारा फाइनल ये स्मार्टफोन रहेगा, स्मार्टफोन देख लेते कैसा रहेगा। जैसे पीछे की तरह एकदम स्मार्ट लगेगा आपको, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे देखा मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और भी कैमरा देखा तो कैमरा एकदम आपको अंदर की तरफ मिलेगा, ज़्यादा बाहर नहीं मिलेगा, एकदम अंदर की तरफ फोन मिलेगा, एकदम कंपैक्ट साइज में आपको ये मिलेगा। और बॉडी देखा बॉडी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओवरऑल देखा तो इसमें आपको टू कैमरास मिलेगा, एक आपको मेन कैमरा रहेगा, एक आपको माइक्रो कैमरा रहेगा, और ये आपको एक फ्लैश लाइट भी इसमें साथ में आपको मिलेगी। और नीचे की तरह आपको सिम ट्रे रहेगी, यहाँ पे आपको माइक रहेगा, यहाँ पे आपको टाइप सी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ये आपको स्पीकर आपको इधर मिलेगा। ऊपर की तरह ये आपको माइक्रो स्पीकर रहेगा, और यहाँ पे आपको सेकेंड स्पीकर भी आपको ऑप्शन इधर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल देखा तो काफ़ी अच्छा, बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफ़ी मस्त रहेगा, और पीस भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपको हैंड में पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, ज़्यादा ऐसा बड़ा भी नहीं लगेगा, एकदम कंप्लीट साइज में रहेगा। ऐसे लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखा जाए पीछे की तरफ देखा जाए आपको कलर से इस तरह से आपको शाइनिंग भी इसके आपको मिलेगी, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। देखा जाए तो आपने 27 Pro के जैसे ही लग रहा है, अपन ये आपको एकदम फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, बाकी 27 Pro के जैसा ही है। 27 Pro में थोड़ा कैमरा बाहर दिया हुआ, उसमें थोड़ा कैमरा अंदर दिया हुआ है। इसके देखते कंपेटेड साइज में रहेगा, आपको कवर से ज़्यादा घिसेगा भी तो कुछ कैमरे के ऊपर भी क्रेश भी इसके साथ में नहीं आएगा, एकदम कंप्लीट आपको ये रहेगा। ओवरऑल देखा जाए बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और भी हम ओपन करके भी देख लेते हैं, और टच का भी मूवमेंट देखा, टच का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और यूजिंग भी आपको एकदम फास्ट रहेगा। ये आपको एकदम 120Hz का डिस्प्ले मिलेगा, और भी डिस्प्ले का 120Hz का डिस्प्ले रहेगा, आपको रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एकदम फास्ट मूविंग भी रहेगा। हम सेटिंग से चले जाते हैं और भी उसमें देख लेते हैं। और जैसे भी देखा जाता है इसमें OS वर्जन आपको 14 मिलेगा, आपको ओप्पो F27 5G है, आपको 128GB स्टोरेज रहेगा, और ये आपको मॉडल नंबर मिलेगा। और प्रोसेस देखा था मीडिया टेक आपको डायमेंसिटी 6300 इसका प्रोसेस इसमें आपको मिलेगा। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें 5000 mAh का बैटरी रहेगा, और 45W का इसका चार्जर भी आपको मिलेगा। और स्क्रीन साइज देखा था 16.94 cm इसका स्क्रीन साइज रहेगा, और रैम देखा था 8+8 आपको रैम इसमें आपको मिलेगी, आप एक्सटेंड रैम कर सकते हो, टोटल 16GB इसमें आपको रैम मिलेगी। और लेकर काफ़ी अच्छा है, वर्जन वगैरह काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये रहेगा आपको। और स्क्रीन पर आपको फिंगरप्रिंट भी इसमें आपको मिलेगी। और जैसे देखा था ओप्पो में दो कलर में इसको लॉन्च किया, एक आपको ओलिव ग्रीन रहेगा, एक एम्बर ओरेंज कलर इसका रहेगा, दो कलर में ओप्पो ने ये लॉन्च किया है। जैसे देखा था
7.69 mm इसका थिकनेस रहेगी, वो भी काफ़ी अच्छी है। और वेट देखा था 187 ग्राम इसका वेट रहेगा। और स्टोरेज की बात क्या, 128 GB रहेगा और एक 8 GB 256 GB स्टोरेज वाला इसमें आपको मिलेगा। और मेन कैमरा देखा था आपको 50 MP का कैमरा रहेगा और इसमें प्रोटेक्ट कैमरा भी आपको इसमें आपको अवेलेबल रहेगा आपको। और भी फ्रंट कैमरा देखा था 32 MP सोनी का इसका आपको कैमरा सेंसर के साथ इसमें आपको कैमरा मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और डिस्प्ले देखा था 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले रहेगा, 16.7 मिलियन कलर डिस्प्ले रहेगा। रेजोल्यूशन का देखा जाएगा तो आपको 1080x2400 इसका रेजोल्यूशन रहेगा। और स्क्रीन टू बॉडी का रेशियो आप देखा जाए 92.2% इसका रहेगा। और भी देखा डिफॉल्ट टिपिकल ब्राइटनेस आपको 600 nits रहेगा, आपको एक्शन मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 nits इसमें आपको रहेगा। और लोकल पैक ब्राइटनेस आपको 2100 nits रहेगा। और चार्जर का देखा 25W सुपरवॉक चार्जर फ्लैश चार्जर इसमें आपको मिलेगा। और बैटरी आपको 5000 mAh का बैटरी रहेगा। और CPU देखा जाता है आपको CPU मिलेगा मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 इसका CPU रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाता है आपको ब्रांड न्यू कलर OS 14.0.1 इसका OS इसमें आपको मिलेगा। ओवरऑल देखा लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। और प्राइस के हिसाब से देखा तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन इसका रहेगा। और भी स्मार्टफोन में कैमरे की बात की जाए तो आपको मेन कैमरे का 50 MP आपको इसका कैमरा रहेगा। और ये आपको माइक्रो कैमरा रहेगा और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिलेगी, ये आपको खाली शो के लिए आपको मिलेगा। और फ्रंट मेगापिक्सल देखा जाए तो आपको 32 MP आपको फ्रंट कैमरा भी आपको मिलेगा। इसमें आपको एक प्रो का ऑप्शन रहेगा, वीडियो का ऑप्शन रहेगा, फोटोस रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, मोर में भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहेगा, नाइट्स का रहेगा, हाई रेजोल्यूशन रहेगा, पेनो रहेगा, स्लो मोशन रहेगा, टाइम लेस, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। ये आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी देख लेते हैं, हमारे फोन में फोटो कैप्चर करके भी चेक किया है कि इसमें फ़ोटो का रेजोल्यूशन क्या है। जैसे देखे थे मेन कैमरे से मैंने फ़ोटो लिया है, काफ़ी अच्छे आए, ये मेन कैमरे से लिया है। और ये देखा था मैंने वीडियो भी शूट किया है, ये आप देख सकते हो मैंने वीडियो शूट किया मेन कैमरा से, काफ़ी अच्छा आया, 10 सेकंड का मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन भी लग रहा है। और ये भी हमने फ़ोटो कैप्चर करके देख लिया है, काफ़ी अच्छे से फ़ोटो आ रहा है। और ये मैंने फ्रंट कैमरे से लिया है, सेल्फी में लिया है, वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, सेल्फी भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है। और भी देखा, ये दो फोटो मैंने लिया है, दोनों सेल्फी का फ़ोटो, काफ़ी अच्छे फ़ोटो आए हैं। और ये बाकी के फ़ोटो है सब बैकग्राउंड मेन कैमरे से मैंने फ़ोटो खींचा है, वो भी काफ़ी अच्छे से फ़ोटो आया है। और ये मेन कैमरे से मैंने वीडियो शूट किया है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, रेजोल्यूशन वगैरह काफ़ी मस्त है, वीडियो काफ़ी अच्छा आया है। कैमरा कैसा लगा आप मुझे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन फ़ोटो काफ़ी अच्छा है, लो प्राइस में काफ़ी आपको लेगा। और ये आपको डिस्प्ले फिंगर भी इसमें मिलेगी। और भी देखा लॉक करने के बाद स्क्रीन टाइम देखा तो काफ़ी फास्ट होगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और डिस्प्ले का लाइट वगैरह काफ़ी आपको हाई आपको मिलेगा, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल देखा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लो प्राइस में काफ़ी मस्त फ़ोन आपको मिलेगा। आपको ही बाय करने का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं स्मार्टफोन आपको कैसा लगा।